भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार 2000 रुपए के नोट को वापस करने का सिलसिला शुरू हो चुका है और भारतीय रिजर्व बैंक ने नोटों को वापस करने के लिए कुछ गाइडलाइंस भी जारी कर दिए हैं। तो गाइडलाइंस की जानकारी से पहले वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं विकास कुमार सिंह अपने चैनल बैंक एंड फिन इन्फो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज के सेशन का डेट 28th May 2023 है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जनता के सदस्यों को 23 मई से 30 सितंबर के बीच बैंकों में अपने 2000 के नोट को जमा करने या बदलने का निर्देश दिया था। एक गैर खाता धारक एक बैंक में एक बार में 2000 के नोट को 20,000 तक बदल सकते हैं। मतलब साफ है, एक खाताधारी एक बार में 10 नोट को ही बदल सकते हैं या जमा करा सकते हैं। जमा प्रक्रिया शुरू होने से पहले 2000 के नोट को जमा करने या बदलने की प्रक्रिया के बारे में एक भ्रम था जिसमें एक मांग पर्ची भरना शामिल था। स्पष्टीकरण में भारतीय स्टेट बैंक ने कहा है कि भिन्न प्रक्रिया में ऐसा कोई कदम नहीं था। हालांकि कुछ बैंक ने 2000 के नोटों को बदलने या जमा कराने में संबंधित कुछ नियमों को लागू की थी। भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि जनता के सदस्यों को किसी भी SBI खाते में एक बार में 20,000 की सीमा के लिए 2000 के नोटों को बदलने के लिए पहचान पत्र दिखाने या मांग पर्ची भरने की आवश्यकता नहीं होगी। HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि वो 30 सितंबर 2023 तक किसी भी शाखा में अपने HDFC बैंक खाते में 2000 के नोट जमा करा सकते हैं। HDFC बैंक ने यह भी बताया है कि जनता 23 मई से 30 सितंबर तक किसी भी HDFC बैंक के शाखा में परेशानी मुक्त विनिमय सेवा का लाभ उठा सकते हैं। HDFC बैंक 20,000 की प्रतिदिन की सीमा के साथ 2000 के नोट बदलने की अनुमति दी है। वहीं ICICI बैंक ने जानकारी दी है कि ग्राहक किसी भी बैंक शाखा या बैंक की कैश डिपॉजिट मशीन में 2000 के जमा कर सकते हैं। हालांकि बैंक ने सूचित किया है कि बैंक खाते में 2000 के नोट जमा कराने की कोई सीमा नहीं है, लेकिन प्रतिबंधित प्रक्रिया मौजूदा KYC मापदंडों के अधीन थी। वहीं ICICI बैंक ने यह भी सूचित किया है कि 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट को जमा कराने पे कोई भी शुल्क नहीं देनी पड़ेगी। वहीं केनरा बैंक ने भी 2000 के मूल्य वर्ग के नोट जमा कराने पर नगद प्रेषण शुल्क पर 100% छूट की पेशकश की गई है। पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि बैंक 2000 के नोट को बदलने के लिए किसी ID प्रूफ की मांग नहीं की है। ANI के अनुसार किसी भी आधार कार्ड कोई आधिकारिक सत्यापन दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है और किसी भी फॉर्म को भी भरने की आवश्यकता नहीं है। PNB की सभी शाखाओं को वर्तमान निर्देश है। अब आगे देखिए भारत सरकार के द्वारा बनाई गई नियम कानून के आधार पर ग्राहक क्या अपने 2000 के नोट को बैंकों में जमा या बदल सकेंगे। एंडिंग ऑफ द सेशन। सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक्स।